हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं आपको जो फुल मून है कल उसकी एनर्जी अपडेट्स देने आई हूँ. मैं हर बार देती हूँ एंड आई वॉन्ट कि हम हमेशा जो न्यू मून होता है फुल मून होता है उनके पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, अपने आप को हील करें, अपने मैनिफेस्टेशंस करें. सो ये वाला जो मून है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉबेरी मून एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अ सुपर मून. ये इस ईयर का सेकेंड सुपर मून है. सुपर मून्स आर सेट टू बी सुपर 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 पावरफुल. सो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने रिचुअल्स करें. बट हमें पता है कि लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हम रिचुअल्स नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द सोलर एक्लिप्स, द लूनर एक्लिप्स, द एनर्जीज वर नॉट राइट. हम लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है. इनफैक्ट मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, सेटबैक्स हुए हैं, सो अनप्लेजेंट इवेंट्स हुए हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन एनर्जीज को हटाएं अपनी जिंदगी से, अपने घर से, और फ्रेश एनर्जी, प्योर एनर्जीज लेके हम आगे जाएं. सो इस फुल मून पे हमें क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें करनी है इज़ दैट वी नीड टू क्लेंज आवर हाउस एंड क्लेंज आवर एनर्जीज. सो हम अपनी एनर्जीज कैसे क्लेंज करेंगे? वी विल टेक अ रिचुअल बाथ. जो रिचुअल बाथ मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है, यू कैन वॉच द वीडियो और आप वैसे ही एक रिचुअल बाथ ले सकते हो. रिचुअल बाथ यू नीड टू टेक इट टुमारो. अगर हम शाम के समय लें या रात के समय लें, इट्स रियली गुड. अगर हम ये ना कर पाए तो हम दिन में भी ले सकते हैं. रिचुअल बात जो वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया है यू नीड टू यूज मून वाटर. बट मून वाटर अगर आपके पास नहीं है सो यू कैन यूज एनी होली वाटर जो आपके पास है. अगर होली वाटर नहीं है तो नॉर्मल वाटर भी चलेगा. ओके एंड उसमें हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे जैसे सी सॉल्ट हो गया या पिंक सॉल्ट हो गया या फ्लावर्स, ऑल्सो क्रिस्टल्स अगर आपके पास है तो इट्स वेरी गुड. सो हम जितने एलिमेंट्स यूज करेंगे वो हमें और फायदा देगा. सो यू कैन डू दैट. एंड ये रिचुअल बात जो है नॉट ओनली यू, इनफैक्ट आपके बच्चे, इनफैक्ट द मेम्बर्स इन योर फैमिली, दे ऑल्सो कैन टेक इट बिकॉज ये जो एनर्जीज थे ये सब पे थे. सो इट विल हेल्प अस हील. और जब हम रिचुअल बात लेंगे वी विल इमेजिन, वी विल प्रे कि जितनी भी निगेटिव एनर्जीज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग वॉश्ड अवे. हमारा ऑरा जो है दैट इज गेटिंग क्लेंस, आवर चक्रास जो है वो सारे बैलेंस हो रहे. ऐसे करके इमेजिन करके, प्रे करके वी विल टेक आवर बाथ एंड वी विल क्लेंस आवर एनर्जीज. वंस हमने अपना रिचुअल बात कर लिया तो सेकेंड वॉट वी नीड टू डू इज क्लेंज आवर स्पेस. सो हम अपना जो घर है उसको क्लेंज करेंगे. कैसे क्लेंज करेंगे? नंबर वन एलिमेंट टू क्लेंज आवर स्पेस इज सेज. अगर आपके पास सेज नहीं है तो यूज एनी काइंड ऑफ यू नो एलिमेंट्स लाइक अगरबत्ती हो गया, गोगल हो गया, कपूर हो गया, उससे अपने घर के दरवाजे खिड़की सारा खोल के आप अपनी स्पेस की एनर्जीज क्लेंज करें. एंड ये एडवाइजेबल है आप शाम को करें तो इट विल बी गुड. ये कर लिया हमने. थर्ड हम क्या करेंगे? वी विल टेक अ नाइस मून वॉक. हम बाहर जाएंगे या हम बैल्कनी से ही वी विल गेज द मून एंड वी विल प्रे कि मून की एनर्जीज जो है हमें हील करे. या अपने मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स भी जो आपको बोलना है यू कैन टॉक टू द मून, यू कैन टेल द मून. अगर इफ़ यू आर ए नंबर टू, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप फुल मून न्यू मून रिचुअल्स ज़रूर करें और मून बाथ लें, जैसे बाहर जाए, हील अंडर द मून. क्योंकि जो मून होता है वो एग्जैक्टली हमारे इमोशंस पे इफेक्ट करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये रिचुअल्स करें. थर्ड, ट्राई वेयरिंग वाइट क्लोथ्स शाम के टाइम पे बिकॉज द एनर्जीज आर प्योर. सो वाइट इज द कलर. क्रिस्टल्स वॉट टू यूज, यू कैन यूज मून स्टोन, ए हॉलाइट, रोज क्वार्ट्स या एमेथिस्ट. इसमें से कोई भी क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो फॉर योर मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशंस. मेडिटेशन करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. फोर्थ, यू कैन ऑल्सो डू जर्नलिंग. जर्नलिंग तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि लिखो कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या फील कर रहे हो, क्या रिलीज करना चाह रहे हो, वट एवर इज इन योर माइंड, और इट्स देर, इवन इफ देर इज अ प्रेयर और इवन इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू, राइट इट डाउन. ये आप कर सकते हो. Now one of the most important thing that you need to do is in this full moon is making moon water. Moon water का जो है मैंने video already डाला हुआ है, you can go and check. Moon water is very very important this time because this is going to be a super moon water. So इसीलिए इसको ज़रूर बनाएं.
अपने आप को हील करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी आप करना चाहो, प्लीज़ मेक योर मून वाटर. इस बार तो बनाए ही बनाए, अगर आप नहीं बनाते हो बस इस वाले पे मत मिस करें, ठीक है. यू नीड टू डू दैट. नाउ कम्स द मैनिफेस्टेशन पार्ट. मैनिफेस्टेशन करने के लिए इधर यू कैन टेक अ वाइट प्लेन पेपर, उस पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और विश लेके यू कैन बर्न इट. अगर यू डोंट हैव डोंट वॉन्ट टू डू ऑन अ पेपर, आप उसको चाहते कि और ज़्यादा इफेक्ट हो, यूज़ अ बे लीफ. बे लीफ को पहले क्लेंस कर ले स्मोक से, फिर उसके बाद उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम लिखे और दूसरी साइड में अपना विश लिखे, उसको जला दे एंड जो एशेज हैं उसको बाहर उड़ा दे, घर के बाहर, एज इफ योर विश इज ऑलरेडी फुलफिल्ड. ये आप कर सकते हो. पेन कौन सा यूज करना है, यू कैन ईदर यूज अ पिंक पेन, ग्रीन पेन और ए ब्लू पेन. एंड हमारे जो क्रिस्टल्स हैं, हमने बहुत टाइम से चार्ज नहीं करा है अंडर द मून, सो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू चार्ज देम. सबसे पहले हम अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस करेंगे, सेज, अगरबत्ती जो भी है उससे क्लेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो मून लाइट है उसके नीचे बाहर क्रिस्टल्स को छोड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि मून के नीचे ही होना चाहिए, प्लीज़ गेट दैट. कहीं पर भी आपको लगता है कि मून की एनर्जीज आ रही है, खिड़की के सामने, दरवाजे के सामने या बालकनी में, हम अपने क्रिस्टल्स रखें 2-4 घंटे, जितने भी आप देर आप रखना चाहो आप रख सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है जो क्रिस्टल्स खराब हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, कुछ नहीं. जितनी देर आप चाहो उनको रखो, फिर उसके बाद गेट देम बैक एंड वेयर देम, अगर आप वेयर करना चाहते हो, या नेक्स्ट डे यू कैन वेयर इन. प्लीज मेक श्योर दैट यू चार्ज योर क्रिस्टल्स, बिकॉज ये जो चार्जर्स लूनर एनर्जी की पावर होती है वो क्रिस्टल्स के लिए इट्स लाइक अ बून, इट्स लाइक गिविंग देम सुपर नेचुरल पावर्स. वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पता. अगर आप हर महीने फुल मून की एनर्जीज दोगे अपने क्रिस्टल्स को, इट विल वर्क मोर मैजिकली. सो प्लीज नेवर एवर फॉरगेट टू डू दिस. And last, whenever you will go to sleep, please think about a good memory, या कोई भी आपकी wish हो, ऐसे imagine करके सोए कि wish आपकी fulfill हो गई है, या any memory जो आपको बहुत खुशी देती है उसको सोच के रात को सोए. And thank the universe before sleeping, thank the universe कि it has given you a nice life and it has been listening to you, it has been been there for you always. Thank करके सोए. And last, what you need to do is कि जैसे आपके मैनिफेस्टेशंस या जो भी आप कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो राइट अ लिटिल विश ऑन अ वाइट पीस ऑफ पेपर एंड टेक अ लिटिल क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल आपके पास है उसको अपने पिलो के नीचे रख के वो विश को आप सो सकते हो. एंड सुबह आप विश जो वो विश है उसको आप जला सकते हो. ये वाला छोटा सा रिचुअल भी आप कर सकते हो. एंड देर इज़ वन मोर रिचुअल विच आई वॉन्ट टू टीच टूडे, वो मैं अपने रील में बताऊंगी रात को, फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन टू आर life in this super moon. So please go ahead and watch my reel. And agar aapke koi doubts hai, kuch bhi hai, you can always comment on this video. I will answer only on comments on this video. Personal DMs ya Instagram ya kisi pe bhi I will not be responding. It will be I would respond only to the DMs on this YouTube video. So wish you all a happy full moon and may all your wishes come true. Thank you.